डीसी कुपवाड़ा ने हंदवाड़ा के बाद से इलाकों का दौरा किया, जैसे सब सेंटर हतमुला, एनटीपीसी नगरी, पीडीडी डिवीजन हंदवाड़ा, पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा ने खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा के तमाम हिस्सों का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की और जिले अस्पताल हंदवाड़ा में फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में उनसे राय ली। डीसी कुपवाड़ा ने जम्मू कश्मीर में जारी सर्द मौसम के दौरान अमले की तरफ से ऊपर से नीचे तक आम लोगों तक फराहम किए जाने वाले काम और खिदमात की भी तारीफ की। आइए देखते हैं इस हवाले से जेके न्यूज वेव से ये खास रिपोर्ट। हाँ जी, बस बस नंबर दी कौन कर पड़ेगा। पीएचई के दफ्तर में जो है वो चक्कर लगाया, उसके बाद आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया है। पीडीडी के मैं रिसीविंग स्टेशन में गया है। आने वाले अभी भी पूरे दिन में मैं अलग अलग जगहों पर जाने वाला हूँ, तो सारी पब्लिक सर्विसेज मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से लैस है, लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना इस ठंड के मौसम में नहीं करना पड़े। हंदवाड़ा के हवाले से भी जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वो भी सारे दायरे अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अलबत्ता बिजली के हवाले से मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी इशू कुछ जगह पे आए, कहीं पे ट्रांसफार्मर्स जो है वो डैमेज होने की खबरें आई हैं, कुछ दो चार दिन से वो ट्रांसफार्मर्स के इशू थे। लेकिन ये भी देखना है कि आज हमारा जो ट्रांसफार्मर डैमेज का रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कैसे फास्ट करके उसको भी रेस्टोर किया जाए। ये मैंने खुद बताया आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मसला ये हो रहा है कि ट्रांसफार्मर डैमेज का रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी, और आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर डैमेज ओवरलोडिंग की वजह से होता है, और ओवरलोडिंग जो होता है वो उसकी वजह से होता है कि कैलकुलेटेड लोड जब हम बोलते हैं और हम करते कुछ और है, इस्तेमाल जब हम करने के लिए आ जाते हैं तब ये पता चल रहा है कि आज मैंने ब्यौरा लिया कि तकरीबन 5-6-7 किलोवाट तक एक एक घर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, एम्बुलेंस नॉर्मल तरीके से इतना नहीं होना चाहिए जी। नॉर्मली जो है वो आपका जो है वो 2000-2500 मेगा जो किलोवाट में हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब जो अनऑथराइज हमारे पास क्रूड हीटर्स हैं जी, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कई बार जो है वो होता है पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, उस चीज से मेडिकल कॉलेज के हवाले से हमें इसको भी है आने वाले एक दो महीनों में कंप्लीट ही करना है। तो आप समझते कि एक बार ये हमारे एक दो महीनों में ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो हमारा हेल्थ सिस्टम का पूरा जो पैनोरमा स्पेस के हवाले से भी हमें देखना होगा, हमें डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक स्पेस कंस्ट्रेंट में वो भी काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दो एक महीनों में ये सारे इशू जो है जी सब हमें भी जाना चाहते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का आपने दौरा किया, पूरी यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे किस तरीके से, क्या आप मुतमईन हैं इनके कामकाज से? देखिए, आपको लोगों ने खुद ही फीडबैक दिया हुआ है कि मैक्सिमम इदारे जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं। अलबत्ता हमें ये भी नहीं बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, बिजली के हवाले से कुछ मुश्किल आते हैं, लेकिन हमें मैंने जैसे आपको बताया कि उस प्रॉब्लम में से हमें रास्ता बाहर निकालना है। पिछले साल के हवाले से भी आज हम लोग इस बार बेहतर हैं। पिछले साल अगर हमें सप्लाई बिजली का तकरीबन जो है वो 90 मेगावाट के आसपास मिल रहा था, इस बार जो है वो 30-35 मेगावाट एक्स्ट्रा मिला हुआ है, 124 मेगावाट हमें मिला हुआ, लेकिन लोड फैक्टर 280 मेगावाट का है। तो हमें इसमें से भी रास्ता निकालना है और इम्प्रूवमेंट स्टेजेस पे हम लोग हैं। हेल्थ के हवाले से भी मेडिकल कॉलेज हमारे पास एक पैनोरमिक चेंज आएगी और मैं समझता हूँ कि एक काफी पॉजिटिव रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल चुकी है।